हेलो एन, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। एटलस होंडा की तरफ से खबर है कि होंडा ने अपने बाइक्स की कीमतों में इजाफा एक बार फिर से कर दिया है और यह इजाफा 1 जून से बाइक्स पर लागू होगा। अभी इन्होंने 1 मई को इजाफा किया था और उसके एक महीने बाद ही इन्होंने अब 1 जून से फिर अपने बाइक्स की कीमतों में इजाफा कर दिया है और यह भी इजाफा पिछली बार की तरह बहुत ज़्यादा है। बाइक्स की न्यू प्राइसेस आप अपने सामने देख रहे हैं, लेकिन चलिए आपको सब बाइक्स की प्राइसेस एक एक करके बताते हैं। सबसे पहले तो आ जाता है होंडा का CD70। होंडा के CD70 की जो अब न्यू प्राइस है वो आपको 1,06,500 रुपये यानी 1,06,500 रुपीज़ मिलेगी। इसके बाद आ जाता है होंडा का CD70 Dream। होंडा के CD70 Dream की अब न्यू प्राइस आपको 1,13,500 रुपये यानी 1,13,500 रुपीज़ मिलेगी। इसके बाद आ जाता है होंडा का 100cc होंडा प्राइडर। होंडा प्राइडर की आपको अब न्यू प्राइस 1,44,900 रुपये यानी 1,44,900 रुपीज़ मिलेगी। और इसके बाद आ जाता है होंडा का लेजेंड होंडा CG125। होंडा CG125 की अब जो न्यू कीमत आपको मिलेगी वो 1,68,500 रुपये यानी 1,68,500 रुपीज़ अब आपको इस बाइक की प्राइस मिलेगी। इसी के साथ इसी बाइक का सेल्फ स्टार्ट वर्जन यानी होंडा CG125 SE स्पेशल एडिशन, इसकी प्राइस अब आपको 1,98,500 रुपये यानी 1,98,500 रुपीज़ मिलेगी। और इसके बाद 125cc में ही होंडा का CB150F, इसकी अब नई कीमत आपको 2,53,900 रुपये यानी 2,53,900 रुपीज़ मिलेगी। इसके बाद आ जाता है होंडा का CB150F। होंडा का CB150F आपको अब 3,08,900 रुपये यानी 3,08,900 रुपीज़ में मिलेगा। और इसके साथ इसी बाइक का स्पेशल एडिशन वर्जन आपको 3,12,900 रुपये यानी 3,12,900 रुपीज़ में देखने को अब मिलेगा। जी हाँ, तो अब जब से न्यू गवर्नमेंट आई है तो डॉलर का रेट और भी ऊपर चला गया है, जिसकी वजह से यही उम्मीद की जा रही थी या हमें सबको ये अंदाज़ा था कि अब बाइक की कीमतों में इजाफा ज़रूर होगा, क्योंकि ये कंपनी वाले तो मौका ढूंढते हैं बाइक की कीमतों में इजाफा करने के लिए, और इन्हें मौका मिल गया और इन्होंने अपनी बाइक की कीमतों में इजाफा कर दिया। अब ये कीमतें आपको कैसी लगी हैं इसके बारे में नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही आउटरेजस यानी अब कौन से बार कीमतें हैं खासकर होंडा की तरफ से। ये कीमतें 1 जून से लागू होंगी यानी कल 31 तारीख आपके पास आखिरी दिन है। अगर आपने कोई बाइक ख़रीदना है या बुक करवाना है तो आप करवा सकते हैं, इसके बाद आपको न्यू कीमतों पर ये बाइक्स देखने में मिलेंगी। तो हम तो कब से आपको यही कहते चले आ रहे हैं कि अब होंडा कंपनी का आपको बाइकआउट कर देना चाहिए, लेकिन अभी भी बहुत सारे यूज़र्स ऐसे हैं जो होंडा के बाइक्स खरीद रहे हैं, जो होंडा के दीवाने हैं और इन बाइक्स का पीछा नहीं छोड़ते। तो अब अगर इन्हीं कीमतों पर इसी तरह से हम लोग बाइक ख़रीदते रहे तो हमें कभी भी कोई अच्छा बाइक या अच्छी कीमत इन बाइक्स की देखने में कभी नहीं मिलेगी, जब तक इनकी सेल्स बिल्कुल ज़ीरो नहीं है। एनीवे, अब तक के लिए तो यही अपडेट थी। तो होंडा के न्यू प्राइसेस के बारे में आपका क्या कहना है नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अब आप इस कंपनी का बाइकआउट करेंगे या नहीं ये भी नीचे ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।